वेलकम टू नॉलेज एक्सप्रेस। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रोचक जानकारी जो शायद आपने पहले ना देखी होगी ना सुनी होगी। क्या होगी अगर आपके पास ढेर सारा पैसा हो और आपके मन में ये डर बैठ जाए कि कहीं कोई चोर हमसे ये पैसा लूट ना ले। लेकिन आज मैं आपको इसी पैसे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उठ जाएंगे। तो चलिए लेकर चलता हूं आपको ऐसे देश में जहां लगता है पैसों का बाजार, जहां पैसे घरों की तिजोरियों में न रहकर सड़कों पर ठेलों पर लदा नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बेहताशा, बढ़ती महंगाई और मुद्रा स्फीति से जूझ रहे इस देश का नाम है सोमालीलैंड। यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। दुनिया के बाकी देशों ने इस मुल्क को मान्यता नहीं दी और इसे सोमालिया का ही हिस्सा मानते हैं। सोमालीलैंड में जगह जगह लोगों ने फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगा रखी हैं, जहां वे सोमाली शिलिंग को डॉलर में एक्सचेंज करते हैं। फिलहाल वहां पर एक डॉलर की कीमत 8,500 शिलिंग चल रही है। सोमालीलैंड में फिलहाल 100, 500, 1,000 और 5,000 के नोट ही प्रचलन में है। इसके नीचे के नोट वहां सर्कुलेशन से आउट हो चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि सोमालीलैंड में 10 डॉलर से 50 किलो शिलिंग खरीदे जा सकते हैं। वहीं इतने पैसे देकर भी आप अधिक सामान नहीं खरीद पाएंगे। अब सोमालीलैंड के लोगों की चिंता है कि उनकी ये मुद्रा कभी भी बेकार हो सकती है। उन्हें डर है कि मुद्रा स्फीति और महंगाई से निपटने के लिए सरकार पुराने नोटों को बंद कर नई करेंसी ला सकती है, जिसके चलते अब अपने पास मौजूद करोड़ों रुपए के करेंसी नोटों को बेहद कम धनराशि में डॉलर में एक्सचेंज करा रहे हैं, जिससे उन्हें नोटबंदी होने पर दिक्कत न हो पाए। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।